हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या फिर पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ही लेना चाहते हैं तो ऐसे में हमने आपके लिए 5 ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो कि 16,000 के प्राइस रेंज में काफी तगड़ा फीचर के साथ मिल जाएगा। इन सभी फोन में आपको गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर पाएंगे। बैटरी तो नॉर्मल 5,000 एमएच का ही होगा बट उसके साथ फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट होगा 120Hz तक का। अच्छा कैमरा मिल जाएगा जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियो कर पाएंगे और रैम स्टोरेज तो खैर बड़ा मिलेगा ही। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं और उम्मीद है कि आपको बाद में पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है आईक्यू की तरफ से, आईक्यू G3 5G। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। और आपको बता दें कि आईक्यू फोन जो है ना गेमिंग के लिए जाना जाता है। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS LCD पैनल के साथ। और इनमें आपको 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। देखिए यह प्रोसेसर जो है ना एक 5G प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 7nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। 4.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी काफी जबरदस्त है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इसमें आपको 4400mAh का बैटरी दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 55W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। पीछे का कैमरा से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर तथा 60fps पर और 1080p पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर तथा 60fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का प्राइस को बाद में बताएंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा और इनमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। और यह फोन 185 ग्राम वेट के साथ आता है जो कि ठीक ठाक ही है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फनटच 11.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन को लेने के लिए आपको 15,400 रुपया देना होगा और यह फोन जो है ना आपको अमेजोन पर मिलेगा। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये फोन भी जो है ना काफी अच्छा फोन है। अगर आपको 16,000 की प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा TFT पैनल के साथ और 600 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की तो 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले, डिस्प्ले इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ और ये प्रोसेसर जो है ना 8nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं और 3 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिनको चार्ज करने के लिए 25W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है और सेल्फी कैमरा 8MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं।
हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी। तो यह फोन 198 ग्राम वेट के साथ आता है, 8.4 mm का थिकनेस है जो कि ठीक ठाक ही, और इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। और सिक्योरिटी के लिए इनमें आपको साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 4GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 15,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 16,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का तीसरे नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 5G। ये फोन भी जो है ना गेमिंग के लिए एक तगड़ा स्मार्टफोन है, और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा LCD पैनल के साथ, और 460 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाएगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर तथा बैटरी का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये प्रोसेसर जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 4 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी काफी जबरदस्त है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, बट एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। यह फोन 187 ग्राम वेट के साथ आता है, जो कि नॉर्मल ही है। 8.2mm का थिकनेस है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो फंटस 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। और सिक्योरिटी के लिए इनमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन को लेने के लिए आपको 15,990 रुपया देना होगा, यानी कि ये समझिए कि इस फोन का प्राइस 16,000 रुपया है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का, तो हमारे लिस्ट का चौथे नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M4 Pro 5G। ये फोन भी जो ना एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन है, और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को देख लेते हैं। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बात करें स्मूथनेस की, तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट जो है ना 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। ये प्रोसेसर जो है ना काफी अच्छा प्रोसेसर है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 4.25 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है, प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर चार्जिंग में लगभग 1 घंटा तो ले ही लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8MP का है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60fps पर, और सेल्फी कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे भी, तो यह फोन 195 ग्राम वेट के साथ आता है। लगभग इस फोन का वजन नॉर्मल ही है। 8.8mm का थिकनेस है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा, हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12.5 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। और सिक्योरिटी के लिए इनमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 4GB रैम
तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 15,000 रुपया देना होगा और 6GB रैम तथा 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 17,000 रुपया देना होगा। अगर आपको 16,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है Redmi Note 10 Pro। अगर आपको 16,000 की प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा और इनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। सिर्फ आपको इस फोन में 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी कि यह एक 4G फोन है। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा AMOLED पैनल के साथ और 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इनमें आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। और इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM में एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 3.5 लाख के आसपास इस फोन का भी अंतुतु स्कोर है। बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इनमें आपको 5020mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, लगभग 1 घंटा में फुल चार्ज तो कर ही देगा। बैटरी भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 5-5MP का दिया गया है, जो कि टेली माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर के लिए है। और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर तथा 60fps पर। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इनमें आपको 6GB का रैम तथा 128GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन को लेने के लिए आपको 15,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 16,000 रुपया इस फोन का भी प्राइस है। अगर आपको 16,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे भी अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।